नमस्कार दोस्तों, जी के रफ्तार चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा में 5 साल के लंबे इंतजार के बाद पशुपालन विभाग के अंदर नई भर्ती आ रही है। प्रदेश में पशु चिकित्सकों के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए पशुपालन विभाग ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC को प्रस्ताव तैयार कर भेजा है। अब जल्द ही कमीशन 383 पशु चिकित्सकों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। विभाग आयुक्त पंकज यादव ने पत्र लिखकर HPSC को 383 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती कराकर चयनितों की सूची भेजने की सिफारिश की है। पदों पर विभागवार वर्गीकरण भी किया गया है। कुल पदों में 202 पद अनारक्षित रखे गए हैं, जबकि SC के बैकलॉग के 9 पद समेत 79 पद रिजर्व होंगे। BCA के लिए 29 और BCB के लिए 46 पदों पर भर्ती होगी। EWS के 37 पद रिजर्व किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में 2018 के बाद वेटरनरी डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। गत नवंबर में 354 पोस्ट के लिए HPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे भी बाद में रद्द कर दिया गया था। तो लंबे समय के बाद ये नई भर्ती आ रही है। अगर आप इनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों, ये एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। लगातार अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।